डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीआई एजु हब बानसूर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे जो गोलीय कोश है उसका विभव हम पढ़ रहे थे, तो उसका जो थर्ड केस है उसको आज डिस्कस करते हैं। तो थर्ड केस है जब पी बिंदु गोलीय कोश के अंदर स्थित हो। हमने सतह पे और बाहर दो केस पढ़ लिए थे। आज तीसरा केस है जब पी बिंदु गोलीय कोश के अंदर स्थित हो। तो देखो, ये मान लो पी बिंदु है जिसके अंदर है, तो ये जो दूरी होती थी स्मॉल आर है। तो देखो, इस केस में ये जो दूरी होगी पी बिंदु की स्मॉल आर, ये गोले की जो त्रिज्या है कैपिटल आर उससे छोटी होगी, तो हम लिख लेंगे स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। क्लियर है? तो इस बिंदु पर अब अपने को विभव निकालना है, तो फॉर्मूला वही हम अप्लाई करेंगे। देखो, विभव का वी इक्वल होता है माइनस समाकलन ई इंटू डी आर, लिमिट होती है अनंत से स्मॉल आर। तो उस आवेश को, क्योंकि विभव की परिभाषा होती है कि एकांक धन आवेश को अनंत से हम किसी बिंदु पर लेकर आते थे, ठीक है, तो यहाँ पर उसको लेकर आएंगे अनंत से इस पी बिंदु तक। पी बिंदु का मतलब आर दूरी तक। तो देखो, इसको हम दो भागों में पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखो बाहर विद्युत क्षेत्र अलग होता है ई आउट, और अंदर विद्युत क्षेत्र अलग होता है। अंदर तो विद्युत क्षेत्र जीरो होता है और बाहर विद्युत क्षेत्र होता था के क्यू बटे में आर स्क्वायर। तो जब हम आवेश को लाएंगे तो बाहर तो इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा, अंदर इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो इसको हम दो भागों में लिख लेंगे, यहां से और यहां पर ले आएंगे एक बार, तो और फिर दूसरी बार यहां से और यहां तक ले आएंगे उसको। क्लियर है? तो देखो कैसे करेंगे, तो इसी को हम दो भागों में लिख देंगे। बी इक्वल्स टू माइनस समाकलन ई इंटू डी आर अनंत से कैपिटल आर तक। एक बार तो उसको यहां तक ले आओ अनंत से और यहां तक कैपिटल आर, प्लस माइनस समाकलन ई इंटू डी आर, अब यहां से और यहां तक ले आओ, मतलब कैपिटल आर से और स्मॉल आर तक। तो हो जाएगा कैपिटल आर से स्मॉल आर। देखो, जब अनंत से यहां तक लेके आएंगे तो अपने को बाहर का विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम विद्युत क्षेत्र लिखेंगे बाहर का ई आउट, और जब यहां से यहां तक लेकर आएंगे आवेश को तो हम इस अंदर के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करेंगे, तो इसमें हम लिखेंगे ई इन। क्लियर है? तो ये टर्म्स समझ में आनी चाहिए, बाकी इसमें कुछ भी खास नहीं है। तो अब इसको सोल्व करते हैं, तो ये देखो प्लस और माइनस, ये माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम इसको माइनस कर लेते हैं यहां पर। क्लियर है? अब देखो, ई आउट, ई आउट होता है अपना के क्यू बटे में कैपिटल आर, सॉरी स्मॉल आर स्क्वायर। तो इसको लिखते हैं, तो हो जाएगा माइनस के क्यू बटे में आर स्क्वायर, ये समाकलन अनंत से कैपिटल आर इंटू डी आर माइनस ई इन। तो देखो, ई इन होता है, ई इन ये होता था अपना जीरो, तो हो जाएगा जीरो इंटू डी आर। तो ये जो पूरा टर्म्स है ये तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो ही बन जाएगा। तो ये वाला टर्म तो यहाँ पर खत्म हो जाएगा, तो अपना बचेगा केवल देखो वी इक्वल्स टू माइनस समाकलन के क्यू बटे में आर स्क्वायर अनंत से कैपिटल आर और इंटू डी आर। इसका समाकलन करना है, अपना आंसर आ जाएगा। देखो, के और क्यू तो नियत होता है, तो उसको हम समाकलन से बाहर निकाल लेंगे। चलो इसको बाहर निकालते हैं, तो हो जाएगा वी इक्वल्स टू माइनस के और क्यू को बाहर निकाल दिया समाकलन से, तो हो जाएगा समाकलन अनंत से कैपिटल आर, ये बचेगा वन अपॉन आर स्क्वायर। तो इस आर स्क्वायर को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा इनटू डी आर। अब आर की घात माइनस दो का समाकलन कर देंगे हम, फॉर्मूला अपने को पता ही है, एक्स की पावर एन का समाकलन होता था एक्स की पावर एन प्लस वन बटे में एन प्लस वन, मतलब एक पावर जो है उसमें एक ऐड कर दो और वही नीचे आ जाएगा, तो जाएगा माइनस के क्यू। समाकलन करते हैं इसका, देखो तो आर की घात माइनस दो का हो जाएगा आर की घात माइनस दो प्लस एक बटे में माइनस दो प्लस एक। समाकलन करने के बाद लिमिट लगा देंगे अनंत से कैपिटल आर,
इसको सिंपलीफाई करते हैं, देखो ये हो जाएगा माइनस के क्यू, तो हो जाएगा आर की घात माइनस दो प्लस एक, ये हो जाएगा आर की घात माइनस एक बटे में दो में से एक निकालेंगे तो माइनस का एक बचेगा ये अनंत से कैपिटल आर। अब इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, हो जाएगा के क्यू आर की घात माइनस एक है, इसको नीचे ले जाओ घात को तो प्लस की घात बन जाएगी अनंत से कैपिटल आर। अब इस लिमिट को सोल्व कर लो, लिमिट सोल्व करना आता है, एक बार आर की जगह ऊपर की लिमिट रखेंगे फिर बीच में माइनस का साइन फिर आर की जगह नीचे की लिमिट, तो देखो ये सोल्व करते हैं इसको तो जाएगा के क्यू वन अपॉन आर की जगह अपर लिमिट तो हो जाएगा वन अपॉन कैपिटल आर माइनस वन अपॉन आर की जगह लोअर लिमिट, और वन बाई इन्फिनिटी होता है जीरो तो हो जाएगा के क्यू एक बटे आर माइनस जीरो तो हो जाएगा के क्यू बटे में आर। तो ये आ गया अपना अंदर का विभव वी इन। तो देखो और सतह पे विभव आया था अपना वी सतह, ये होता था के क्यू बटे कैपिटल आर। तो देखो अंदर विभव और सतह पर जो विभव है वो समान ही होता है, तो ध्यान रखना गोली कोष के सतह पे विभव और अंदर विभव एक समान होता है, क्लियर है? कितना होता है तो आंसर है के क्यू बटे में कैपिटल आर। क्यों होता है? क्योंकि अंदर विद्युत क्षेत्र जीरो होता है, इसलिए अंदर तो आवेश को लाने में कोई कार्य करना ही नहीं पड़ता है, तो केवल सतह तक लाने में कार्य करना पड़ता है, ठीक है? तो ये है गोली कोष के कारण विभव हमने पढ़ लिए हैं तीनों केस, जब पी बिंदु भार हो, जब पी बिंदु सतह पर हो, या जब पी बिंदु अंदर हो। अब हम ग्राफ बनाते हैं वी में और आर में। तो देखो पहले तीनों फॉर्मूले को लिख लेते हैं, अंदर भार और सतह वाले। V तथा स्मॉल r में ग्राफ। तो देखो अंदर तो विभव का फॉर्मूला होता है V इन के क्यू बटे में कैपिटल R, सतह पर भी सेम ही होता है के क्यू बटे में कैपिटल R, और अंदर होता है सॉरी बाहर V आउट होता है के क्यू बटे में R स्क्वायर, क्लियर है? तो देखो अंदर का जो विभव और सतह का जो विभव है वो तो स्मॉल आर पर डिपेंड ही नहीं करते हैं, तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा। और जो बाहर का विभव होता है वी आउट, ये आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए वी आउट और आर में जो ग्राफ बनेगा वो अति परवलय बनेगा, क्योंकि जब व्युत्क्रमानुपाती होता है तो जो ग्राफ बनता है अपना वो अति परवलय टाइप का बनता है। तो देखो तो जो एक्स अक्ष है उसके ऊपर तो हम आर ले लेते हैं, और वाई एक्स है इस पर विभव ले लेते हैं बी। तो देखो ये अपना केंद्र बिंदु है जहां पे आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, सतह पे जब हम जाएंगे तो आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी, बाहर जब हम जाते हैं तो स्मॉल आर जो होता है वो कैपिटल आर से बड़ा होता है, और ये सतह तो अंदर जो स्मॉल आर होगा वो कैपिटल आर से छोटा होगा, ये सब पढ़ चुके हैं हम। अब देखो जो अंदर विभव है और सतह पर विभव है वो कितना होगा के क्यू बटे में कैपिटल आर। तो हम मान लेते हैं ये है सतह का विभव के क्यू बटे में, और अंदर भी इतना ही होगा। तो देखो जो ग्राफ होगा केंद्र से और सतह तक सेम ही रहेगा के क्यू बटे में कैपिटल आर। उसके बाद जैसे हम बाहर जाएंगे वैसे वैसे विभव का मान दूरी के साथ कम होने लग जाएगा, तो बाहर जो ग्राफ हम बनाएंगे वो अति परवलय टाइप होगा कुछ इस टाइप से, क्लियर है? तो ये तो वी आउट है, ये वी सतह है, और ये है वी इन अंदर विभव, क्लियर है? तो इस टाइप से अपना ग्राफ बन जाता है, ग्राफ इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू, बाकी डिस्कशन कल करेंगे।